हेलो फ्रेंड्स, प्रियंकास किचन केक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक पाइनएप्पल केक बनाने वाले हैं। और ये भी फ्रेंड्स, मेरा बहुत ही अर्जेंट वाला ऑर्डर था। मतलब ये ऑर्डर मुझे दोपहर में आया 3 बजे के आसपास, और उन्हें 6 बजे तक ये केक चाहिए था। तो मैंने जल्दी जल्दी से ये प्रिपरेशन किया, केक मैंने बेक होने के लिए रख दिया, और हम इसकी आइसिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 250 ग्राम व्हिपिंग क्रीम लिया है, नॉन डेरी क्रीम, और इसे मैंने थोड़ी देर पहले मेल्ट करने रख दिया था। तो अभी अच्छे से मेल्ट हो गया, पर थोड़े से आइस क्रिस्टल अभी भी इसमें है। तो हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से उसे भी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, और इस तरीके से मिक्स करते हुए, और उसके बाद हम अपने क्रीम को व्हिप करेंगे। और व्हिप करने से पहले फ्रेंड्स, हम क्रीम में पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे, जिससे क्रीम में भी अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ जाएगा। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसे अच्छे से बीट कर लेंगे स्टेफ पिक आने तक। तो फ्रेंड्स, हमें इसे कंटिन्यू हाई स्पीड में बीट करते रहना है। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस बिना स्किप किए देखा करें, ताकि जो बीच बीच में हम आपसे टिप्स शेयर करते हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप देख सकते हैं हमारा क्रीम अच्छे से बीट हो गया। अब हम इस स्पैचुला से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर एक बार और हम इसे बीटर की हेल्प से बीट कर लेंगे, ताकि जो क्रीम रह गया हो उस साइड में जो जम जाता है नीचे साइड, बीट नहीं हो पाता, वो भी अच्छे से बीट हो जाए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ हमारा केक भी अच्छे से बेक हो गया। अब हम इसे इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है, और अब हम इसकी लेयरिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम पहले तो इसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे अच्छे से रिमूव कर लेना है, ताकि हमारा केक अच्छे से सोक हो पाए। और इसका टेस्ट भी फ्रेंड्स केक के टेस्ट को ख़राब कर देता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऊपर के लेयर को रिमूव करना। उसके बाद हम अपने ये केक को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये केक मैंने 6 इंच के मोल्ड पे बनाया, क्योंकि ये मेरा 1/2 kg का केक है। अब हम अपने केक स्पॉन्ज को अच्छे से सोक कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, सोकिंग के लिए मैंने वाटर में थोड़ा सा पाइनएप्पल क्रस मिक्स किया, और उसी से हम अपने केक की सोकिंग कर रहे हैं। इससे हमारे केक में अच्छे से पाइनएप्पल फ्लेवर का टेस्ट आ जाता है। और अब हमने पाइपिंग बैग में ये क्रीम भर लिया, जिसमें हमने पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट डाल के इसमें भी पाइनएप्पल फ्लेवर ऐड किया, जिससे हमारे पूरे केक में अच्छा सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आएगा। और अब इसे हम इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पाइनएप्पल क्रश। फ्रेंड्स, ये मैंने बाउल में निकाल के रखा है। कभी कभी मेरे से ऐसा होता है, बॉटल से जब मैं क्रश डालती हूँ तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, इसलिए इस बार मैंने बाउल में निकाल के रखा है और स्पून की हेल्प से उसे डाल रही हूँ। और अब हमने थोड़ा सा साइड में क्रीम डाल के केक का ये जो बेस है इसे अच्छे से बैलेंस कर लिया है, और इसे भी हम सेम प्रोसेस से सोकिंग, फिर आइसिंग और फिर क्रश लगा के अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे। और अब हम जब केक की सोकिंग अच्छे से हो गई है, अब हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स, मैंने केक में हल्का सा येलो कलर मिक्स किया है, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे क्रीम में येलो कलर। ये मैंने 2 ड्रॉप जेल कलर लिया है। फ्रेंड्स, ये केक का जो ऑर्डर है, ये एक बहन ने अपने भाई के लिए ऑर्डर दिया था, और फ्रेंड्स ये उनके भाई का 60th birthday था, और उसके लिए ये केक रेडी करवा रहे थे। तो उनने फ्रेंड्स स्पेशली बोला था कि आप केक में हैप्पी बर्थडे लिख दीजिएगा, भैया लिख दीजिएगा, और 60th birthday लिख दीजिएगा। तो अभी 1/2 kg का केक था, और इसमें इतना सब कुछ मुझे लिखना था, तो मैंने कैसे इसे मैनेज किया ये आप देखिए लास्ट तक मेरा वीडियो, आप देख पाएंगे अच्छे से। तो ऐसे पहले हम पाइपिंग बैग की हेल्प से पूरे केक को येलो व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे इस तरीके से, टर्न टेबल को रोटेट करते हुए। फ्रेंड्स, ये सबसे इजी मेथड है केक को आइसिंग करने का। इससे क्रीम मतलब प्रॉपर हर तरफ पे इक्वली स्प्रेड हो जाता है, और बहुत जल्दी इस मेथड से हम आइसिंग कर लेते हैं, और विथ प्रॉपर फिनिशिंग। तो आप भी ये मेथड ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत जल्दी और बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा केक रेडी होता है। अब मैंने स्पैचुला से इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम इस तरीके से एक स्क्रैपर से अपने केक को क्लीन कर लेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा की क्रीम है उसे हटाते जाएंगे। और कहीं पे अगर हमें लगे कि क्रीम कम रह गया है या होल जैसा दिखे, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी क्रीम लगा के उसे फिर से क्लीन करेंगे। हमें फ्रेंड्स, जब तक हमारे केक में अच्छी सी फिनिशिंग नहीं आती, तब तक हमें अपने केक को अच्छे से क्लीन करना है, ताकि कस्टमर को ऐसा ना लगे कि ये हाँ ठीक ठीक सा है। उन्हें लगना चाहिए कि उनने जो केक बनवाया है वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ उन्हें मिला है, और इससे हमारा भी एक इम्प्रेशन पड़ता है, और वो फिर हमें कंटिन्यू ऑर्डर आते हैं कस्टमर से।
तो इसलिए हमें हमेशा ध्यान देना है कि हमारा केक बहुत ही टेस्टी और उसके साथ साथ हमारे केक का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं मैं अच्छे तरीके से अपने केक को क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एक कॉम वाले स्क्रैपर से साइड में इस तरीके से पैटर्न क्रिएट किया और बीच में भी फ्रेंड मैंने ये पैटर्न क्रिएट कर लिया इसी स्क्रैपर की हेल्प से। और उसके बाद हम इसमें कुछ फ्लावर्स और कुछ ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं पहले केक को अच्छे से क्लीन अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ऊपर में ये पैटर्न कितना प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही इजी और सुंदर लगता है। इसके बाद मैं केक के टॉप पे 60 लिखने वाली हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको जैसे कि बताया जिनका बर्थडे उनका 60th बर्थडे है, और वो जो बहन है वो अपने भाई के लिए ये केक लेके जाने वाली है। तो इसलिए मैंने केक के टॉप पे एज अ डिज़ाइन डेकोरेशन 60 लिखा है, और इसे हम अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लेंगे। तो पहले तो मैंने नॉर्मल एक कोन में वाइट कलर भर के इस तरीके से 60 लिख लिया है। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से शूट करती हूँ इसलिए ये आपको रिवर्स दिख रहा है। और उसके बाद मैंने छोटा वाला स्टार नोज़ल लिया, उसमें पिंक कलर लिया है, और कहीं कहीं पे मैं इस तरीके से स्टार नोज़ल से फ्लावर बना ले रही हूँ जो हमने 60 लिखा है उसके ऊपर में। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स मैंने पर्पल कलर लिया है, और पर्पल कलर से भी उसी तरीके से हम कहीं कहीं पे फ्लावर बना लेंगे। और साइड साइड में भी फ्रेंड्स मैंने इसी से फिर कुछ रोज़ेस बना लिए थे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद हम कोई दूसरा कलर लेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है डार्क पर्पल कलर, और उसे भी हम इस तरीके से नोज़ल में भर के, ये भी स्टार नोज़ल ही है, और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे गैप है हम ये ऐसा कलरफुल फ्लावर का ऐसा 60 ऐसा कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। और साइड पे भी मैंने ये छोटे छोटे से इसके एक ड्रॉप्स बना लिए हैं। और उसके बाद जहाँ भी हमें ऐसा लगे कि थोड़ा गैप दिख रहा है या यहाँ पे एक फ्लावर आ जाएगा वहाँ पे हमें एक फ्लावर और ऐड कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स मेरे पास ये कुछ एडिबल पर्ल्स हैं जिसे मैं बीच बीच में कहीं कहीं पे सेट कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एडिबल वाइट पर्ल सिल्वर गोल्डन जितने भी मेरे पास थे सब कहीं कहीं पे ऐसा ऐड कर लिया, उससे जो हमने 60 लिखा था इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हो गया था। अभी मैं लास्ट में आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ उसका फाइनल लुक। ये केक बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल सा ये केक बन के रेडी हुआ था, और कस्टमर को भी ये केक काफ़ी पसंद आया था। उनको टेस्ट और डिज़ाइन सभी बहुत अच्छा लगा था, जैसा कि उनका रिक्वायरमेंट था वो पूरा फुलफिल हो गया था। आप सोच रहे होंगे अब केक में हैप्पी बर्थडे और भैया वगैरह लिखने की तो जगह नहीं है, पर आप लास्ट तक बने रहे, आप देखें मैंने इसे कैसे मैनेज किया। तो इस तरीके से मैंने पूरे गोल्डन सिल्वर हर तरह के बिट्स लगा लिए, आप देख सकते हैं। और फिर मैंने वो रोज़ जो हम बनाते वाला नोज़ल लिया, और इससे इस तरीके से मैंने कुछ फ्लावर्स बना लिए कहीं कहीं पे वाइट कलर के, और ये केक में जो थोड़ा सा खाली खाली सा डिज़ाइन लग रहा था वो भी अच्छे से भर गया है, और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर सा बन गया है। और मेरे पास फ्रेंड्स सर्च करने के लिए या कुछ सोचने के लिए भी टाइम नहीं था कि मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ और क्या किस तरीके से, तो मैंने अपने हिसाब से ये केक रेडी किया। तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये केक का डिज़ाइन कैसा लगा। और ये 6 फ्लावर इस तरीके से मैंने केक पे बना लिया, और उसके बाद मैंने गोल्डन स्प्रे से बीच बीच में स्प्रे कर दिया है जिससे ये फ्लावर थोड़ा सा हाईलाइट हो गया था। मैंने पूरे केक में थोड़ा सा गोल्डन स्प्रे कर दिया, और उसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से एक पाइपिंग बैग लिया है जिसमें मैंने छोटे होल वाला नोज़ल लेके केक बोर्ड में मैंने हैप्पी बर्थडे भैया लिखा है, और इससे हमारा ये केक का जो भी रिक्वायरमेंट था वो तो कंप्लीट हो ही गया, और साथ में केक दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं हमारे केक का फाइनल लुक है। ये मैं नेचुरल लाइट में वीडियो बना रही हूँ इसलिए और प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो और मेरे केक के डिज़ाइन और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं इसी पुराने घर में पहले बनता था बहुत सालों से नहीं आती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शुक्रवार।